हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की पहली न्यूज है 4G की तरफ से। तो कल मैंने आपको कहा था कि ये 4G गेम इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। और दोस्तों, आज एक जानकारी मिली है कि ये गेम लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। और दोस्तों, ऐसी भी जानकारी मिली है कि इस गेम में हमें बहुत सारे नए गेमिंग मोड्स भी दिखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, क्या आप लोग 4G गेम के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज मी टीवी होराइजन एडिशन के कुछ स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुके हैं। और इस लीक से पता चलता है कि ये टीवी 43 इंच का टीवी होने वाला है, जहां पर फुल HD का रिजोल्यूशन दिखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस टीवी में 20 वॉट्स के स्पीकर्स दिखने को मिलेंगे, जहां पर DTS HD का सपोर्ट मिलने वाला है। और दोस्तों, ये टीवी 7 सितंबर को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों, आज रियलमी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो लोग अपने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स इंडिया में और ग्लोबली जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। और इन सभी प्रोडक्ट्स में से पहले प्रोडक्ट का नाम है रियलमी वॉच एस प्रो, जो कि रियलमी की नई स्मार्ट वॉच होने वाली है, जहां पर राउंड शेप में एमोलेड डिस्प्ले दिखने को मिलेगी। और दोस्तों, रियलमी के नए ईयरफोन्स भी जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं, जहां पर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट दिखने को मिलेगा। फिर दोस्तों, अगले प्रोडक्ट की बात करें तो रियलमी अपना नया स्मार्ट टीवी भी जल्द ही लॉन्च करने वाला है, और ये टीवी 55 इंच का टीवी होगा। और दोस्तों, रियलमी ने यह भी कंफर्म किया है कि रियलमी नार्जो 20 सीरीज जल्द ही लॉन्च होने वाली है। और दोस्तों, लीक से ऐसा पता चला है कि रियलमी नार्जो 20 सीरीज अगले महीने तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप लोग रियलमी के नए प्रोडक्ट्स के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टेक्निक अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, पबजी को इंडिया में बैन हुए 2 दिन हो चुके हैं, और इन 2 दिन में अभी तक टेंसेंट को टोटल $34 बिलियन का लॉस हो चुका है इस पबजी बैन की वजह से। और भी आने वाले दिनों में बहुत सारा लॉस टेंसेंट को होने वाला है, और वो लॉस कितना होगा वो हम सोच भी नहीं सकते, बहुत लॉस टेंसेंट को होने वाला है। तो दोस्तों, आज पोको ने ये कंफर्म किया है कि पोको M2 में क्वाड रियर कैमरास दिखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि पोको M2 Redmi 9 जो ग्लोबली लॉन्च हुआ था, उसी का रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है। मुझे ये नहीं पता चलता कि ये लोग एक ही फोन इंडिया में कितनी बार लॉन्च करेंगे। Redmi 9 Prime इंडिया में पहले लॉन्च हो चुका है, तो ये फोन की क्या जरूरत थी। इस फोन के बदले पोको X3 भी लॉन्च हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता, ये फोन लॉन्च करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और दोस्तों, पोको X3 की बात हो ही रही है, तो आज की आखिरी न्यूज पोको X3 की तरफ से ही है। तो आज पोको ने ये कंफर्म किया है कि पोको X3 में 3.5mm ऑडियो जैक भी मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों, पोको X3 अगले हफ्ते ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप लोग पोको X3 के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।